Hello friends, have you ever wondered that how different parts of the plant grows from a seed? एक छोटे से seed से कैसे अलग अलग हिस्से उग के आते हैं, जैसे roots, stem, leaf, flowers, fruits. Reproduction in plant chapter में हमने पढ़ा था that seed is formed from zygote. प्लांट के जो भी हिस्से आते हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ जायगोट, यानी जायगोट से ही डेवलप होके आते हैं. बट कभी इस बारे में सोचो कि छोटे से बीज से कैसे पेड़ के अलग अलग हिस्से ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं. अब ये सारे पार्ट्स कैसे ग्रो होते हैं? स्टेम के कुछ कुछ हिस्से, ओके, कुछ कुछ पार्ट जिंदगी भर तक ग्रो होते रहते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं. और पेड़ के कुछ कुछ हिस्से जैसे फ्रूट्स, वो हमेशा लिमिटेड साइज तक ही ग्रो होते हैं, स्टेम के इतने काफ़ी बड़े नहीं हो पाते हैं. ऐसा क्यों होता होगा और ये सब के पीछे क्या मैकेनिज्म है, तो वही बात आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेक्चर 1. लेट्स क्विकली बिगिन विद द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज अ सम टोटल ऑफ टू प्रोसेसेस, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. एमसीक्यू में पूछेंगे कि डेवलपमेंट में कौन से दो प्रोसेस साथ में मिलाकर कंसीडर किए जाते हैं, तो याद रखने का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अब इसमें जो डिफरेंशिएशन वर्ड है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ओके. जैसे अगर इंसानों की बात करें, ग्रुप ऑफ सेल्स में से कुछ एपिथेलियल टिश्यू बने, कुछ कनेक्टिव टिश्यू बन गए, कुछ मस्कुलर टिश्यू और कुछ नर्वस टिश्यू, तो हम बोलेंगे सेल्स का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है. उसी तरह से प्लांट्स में अगर बात करें तो कुछ पैरेन्काइमा बन गए, कुछ वैस्कुलर टिश्यूज बन गए. मूविंग ऑन, नेक्स्ट. सीड जर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ. अब ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि प्लांट ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप क्या है, तो इट इज सीड जर्मिनेशन. यानी एक सीड में से जब स्प्राउटिंग होता है, ऊपर वाले हिस्से को हम प्लूम्यूल बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम रेडिकल बोलते हैं. तो सपोज बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, ये सीड है, ये स्प्राउट हुआ. अब ये हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग प्लूम्यूल बोलेंगे और आने वाले समय में ये शूट बनेगा. और ये हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं और ये आने वाले समय में रूट बनेगा. सो इसको हम लोग बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. रिमेंबर द पॉइंट, सीड जब जर्मिनेट होता है और यंग प्लांट बनाता है, वी कॉल इट एज अ सीडलिंग. सिमिलरली वी हैव वर्ड कॉल्ड एज अ प्लांटलेट एंड मेच्योर प्लांट. जो प्लांट पूरी तरह से विकसित हो जाता है उसको मेच्योर प्लांट बोलते हैं और जो यंग प्लांट रहता है उसको प्लांटलेट बोलते हैं. But remember the fact that plantlets are formed after vegetative propagation from the margins of the leaf. Okay? Moving on. Next. अब अगर बाहर का हालात unfavorable है, unfavorable यानी suitable नहीं है, okay? So what happens is the seed undergoes suspended growth or rest. तो उस time पे ये seed sprout नहीं होगा. मान के चलो, suppose for example, ये seed को हम मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी में डालने के बाद अगर बाहर के हालात suitable नहीं है, बहुत कड़ी धूप है, पानी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा ना कि ये सीड स्प्राउट ही नहीं होगा. तो हम बोलेंगे द सीड इज इन सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट. नेक्स्ट, जब बाहर के हालात फेवरेबल हो जाते हैं, जब हालात सुटेबल हो जाते हैं, एट दैट टाइम द सीड विल रिज्यूम इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. देखो ये कैसा है ना बच्चों, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ओके. समझो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, ओके, वो रोज स्कूल जाता है, पर अचानक से बाहर के हालात सुटेबल नहीं है. समझो बहुत बारिश है, काफ़ी पानी भरा है, तो उसकी मम्मी उसको स्कूल भेजेगी क्या? नहीं भेजेगी. Why? Because if there is unfavorable conditions, right? So the seed undergoes suspended state or rest. उसी तरह से वो माँ अपने बच्चे को क्या बोलेगी, मुझे तेरा आज का एजुकेशन ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, आज का दिन तेरा क्लास सस्पेंड हो जाएगा, तू आज घर पे रेस्ट करेगा. और जैसे ही समझो धीरे धीरे पानी उतर जाता है, ओके, कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं, सो एट दैट टाइम द चाइल्ड विल रिज्यूम विद हिज अगेन लर्निंग एक्टिविटीज विद हिज एजुकेशन और डेली स्कूल जा पाता है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट. डेवलपमेंटल प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये याद रखना, किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट दो तरह के फैक्टर्स पर निर्भर करता है, अंदरूनी फैक्टर्स और बाहर वाले फैक्टर्स. हाई फाई लैंग्वेज में कहा गया है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. मूविंग ऑन,
नेक्स्ट इन दिस डायग्राम व्हाट वी सी इज अ डेवलपमेंट एंड सीडलिंग जर्मिनेशन इन बीन्स. एनसीईआरटी में से ना छोटा छोटा पॉइंट याद रखने का, इट कैन कम अप इन नीट एग्जाम. सो ये किसका डेवलपमेंट दिखा रहा है हमको, बीन्स का. ओके, सो यहाँ पर आइडियली व्हाट वी सी इज येलो कलर का कॉटिलीडन, और ऐसे दो कॉटिलीडन हमको दिख रहे हैं. ओके, डाइकॉटिलीडनस कंडीशन है. अच्छा, यहाँ पे दी अपर लेवल इंडिकेट्स द सॉइल लाइन, यानी ये जमीन का लेवल है. यहाँ देखो येलो कलर का कॉटिलीडन से एक हिस्सा नीचे की तरफ है, धीरे धीरे एक हिस्सा ऊपर की तरफ भी आ रहा है. द फैंसी नेमिंग दैट वी सी इज येलो कलर का कॉटिलीडन है, उसका जो कवरिंग है उसको सीड कोट बोला है. और एपिकोटाइल हुक, यानी कॉटिलीडन का ऊपर वाला हिस्सा, एंड कॉटिलीडन के नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल बोला है. अच्छा, इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं बच्चों. समझो फॉर एग्जाम्पल ये कॉटिलीडन है, सी लिख दिया हम लोग ने. अब ये जब स्प्राउट हुआ है तो ऊपर वाला हिस्सा प्लूम्यूल है, नीचे वाला हिस्सा रेडिकल है. अब समझो इसको कुछ महीनों के बाद देखा हमने, तो प्लूम्यूल इतना ग्रो हो चुका है, अलग से रेडिकल इतना ग्रो हो चुका है, और ये कॉटिलीडन सी. अच्छा, ये जो टिप है ऊपर वाला, शेड कर देता हूं मैं इसको, ये हो गया प्लूम्यूल. और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी शेड कर देते बेटा, ये हो गया रेडिकल. तो देख, अब कॉटिलीडन से लेकर प्लूम्यूल तक इतना हिस्सा तुझे दिख रहा है, जो कॉटिलीडन के ऊपर है उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल, क्योंकि एपी मतलब ऊपर और कोटाइल मतलब कॉटिलीडन. वैसे ही स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा है जो कॉटिलीडन से चालू होकर रेडिकल तक जा रहा है, अब वो कॉटिलीडन के नीचे है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, वेयर हाइपो मींस बिलो. ओके, तो यहां पर कॉटिलीडन के नीचे जो हिस्सा है, यानी ये समझ लो, अब ये पूरा क्या हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया. ओके, और ये कॉटिलीडन के ऊपर वाले हिस्से, यानी ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, ये एपिकोटाइल हो. सो वी हैव द नेमिंग ऑफ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. इस बात का ध्यान रखना, एमसीक्यू में डायग्राम और उसका नेमिंग भी शायद पूछ सकते हैं हमको. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट ग्रोथ का डेफिनेशन दिया है, बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है. द डेफिनेशन सेज ग्रोथ इज इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन पार्ट और सेल. इररिवर्सिबल एंड परमानेंट दोनों का मीनिंग सेम है. अभी एक बार मेरा बॉडी ग्रो हो चुका है तो मैं उसको रिवर्स करके वापस से बच्चू फॉर्म में नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन. या तो कोई ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, या तो कोई पार्ट का साइज बढ़ेगा, या तो सेल का साइज बढ़ेगा, और वो जो बढ़ोतरी होगी वो परमानेंट होगी. नेक्स्ट, ग्रोथ इज फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लिविंग सेल. अब फंडामेंटल यानी बेसिक, और कॉन्स्पिशियस यानी समथिंग दैट यू कैन इजीली नोटिस. कैरेक्टरिस्टिक रिफर्स टू क्वालिटी, यानी ग्रोथ कैसा ना, हमारी एक बेसिक सी क्वालिटी है, और ये ग्रोथ वाली जो क्वालिटी है वो कोई भी आसानी से नोटिस कर सकता है. एक बच्चे को तुम 10 साल बाद देखोगे, बोलोगे कि अरे ये तो कितना बड़ा हो गया. दैट मीन्स द ग्रोथ इज कॉन्स्पिशियस, इट इज इजीली नोटिसेबल, इट इज इजीली ऑब्जर्वेबल. उसी तरह से प्लांट्स में भी, एक छोटा सा सैपलिंग जब एकदम विशाल पेड़ में विकसित हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे कुछ सालों में देखो ये पेड़ कितना बड़ा हो चुका है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में बच्चों हम लोग याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, वेयर कैटाबॉलिज्म मींस टू ब्रेक. पढ़ पा रहा है ना तू? ओके, एंड एनाबॉलिज्म मीन्स टू मेक. आई होप इंडियंस कैन रीड इट, एंड आई वॉन्ट ऑल इंडियंस टू रीड दिस. इंडिया शुड ग्रो, दैट्स द रीजन वाई वी हैव कम अप विद दिस चैनल कॉल्ड एज़ योयो बायो. हिंदी में लिखा गया है, हम सब इंडियंस ही जानते होंगे. अब कैटाबॉलिज्म इज नथिंग बट टू ब्रेक, एनाबॉलिज्म मीन्स टू मेक. चलो इसको और इंडियन स्टाइल में लेते हैं. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स टू ब्रेक. कैसे याद रखे, हिंदी वर्ड याद रखो ना, काटा मतलब काटा, काटा दैट मींस टू ब्रेक. तो अगर कोई भी चीज सेल के अंदर टूटती है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और अगर कोई कोई सिंपल कंपाउंड जुड़ते हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं. और हमारे बॉडी के प्रोसेसेस में कैसा है ना, सब्सटेंसेस का टूटना
और सब्सटेंसेस का जुड़ना लगे रहता है, इस टूटते और जुड़ते प्रोसेसेस को साथ में मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ताकत खर्चा होती है उसमें। नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ लीफ इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने फिर भी लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, जब एक लीफ एक्सपांड होता है ना वो भी अपने आप में ग्रोथ कहलाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। अब आया तगड़ा इंग्लिश, सर इनडिटर्मिनेट मतलब क्या? घबराने का नहीं, इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट के कुछ कुछ हिस्से है ना उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, यानी वो अनलिमिटेड टाइम तक ग्रो होते रहते हैं, जिंदगी भर तक ग्रो होंगे। अब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उनके पास एक खास टिश्यू है, जानता है ना तू, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं, इसको बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज नथिंग बट ग्रोइंग टिश्यू, यानी इसमें जो भी सेल्स होते हैं ना वो जिंदगी भर तक डिवाइड होते हैं, दे कैन कंटिन्यू टू डिवाइड फॉर एवर। इसलिए कहा जाता है दीज सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। परपेचुएट मीन्स टू कंटिन्यू, वो अपनी तादाद को हमेशा बढ़ाए रखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिविजन। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, प्लांट के कुछ कुछ हिस्सों में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट यानी अनलिमिटेड। और वो अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों है? क्योंकि उनके पास मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू में सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट, दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड, यानी नए सेल्स हमेशा बनते जाते हैं बिकॉज ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, सो न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओके, देख मैं ना शॉर्ट में तुझे बोलता हूँ, प्लांट के कुछ कुछ हिस्से जो हमेशा ग्रो होते रहते हैं उसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, फैंसी इंग्लिश में उसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, फैंसी बायोलॉजी में उसको बोलेंगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट, प्लांट के कुछ कुछ हिस्से, अब इसका उल्टा चल, जिनका ग्रोथ रुक चुका है, जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ उनका हो गया बस, उसको हम बोलेंगे, इसका ऑपोजिट चलो, उसको बोलने का डिटर्मिनेट ग्रोथ, और इसका ऑपोजिट लिमिटेड ग्रोथ, और इसका ऑपोजिट दैट इज क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। चलिए इस बात को और डिटेल में देखते हैं विद अनदर डायग्राम। अब यहां ये जो हमने बनाया ना, मान के चलो कि एक पेड़ है, ओके, ये जमीन है, जमीन दिख रहा है तेरे को, ओके, और उसके नीचे ये रूट है, इमेजिन। अब कैसा है ना कि समझो अगर हम लोग इसको बीच से काट दिए तो शूट वाला हिस्सा अलग हो गया और रूट वाला हिस्सा अलग हो गया, तो यहां उसको बीच से काट दिए, जो जमीन के ऊपर जा रहा है वो हिस्से को बोलेंगे शूट, और जो जमीन के नीचे जा रहा है उस हिस्से को बोलने का रूट। अब रूट और शूट के टिप में, उसके अपेक्स में, टर्मिनल पार्ट में जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलेंगे एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। देखो बच्चों, इसलिए यहां इस वाले हिस्से को ये पूरा शेड कर देते हैं। तो रूट के टिप में यहां जो सेल्स हैं इसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, और स्टेम के टिप में शेड कर देते हैं, यहां जो सारे सेल्स हैं उसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल क्यों बोला? क्योंकि अपेक्स में, टिप में। अच्छा, अब सोचो ना, अगर एक स्टेम के टिप में यहां पर दो सेल है और यहां पर दो सेल है और ये डिवाइड हुए, ये दो डिवाइड होके चार बनाए, ये दो डिवाइड होके चार बनाए, चार से आठ हुए, सोलह हुए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ की लंबाई बढ़ रही है ना। सो वी हैव अ पॉइंट ओवर हियर, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। मैं शॉर्ट में लिख के रखता हूं बेटा, प्राइमरी ग्रोथ, ओके। अच्छा, और इसी प्राइमरी ग्रोथ को, यानी लंबाई बढ़ी ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर ग्रोथ। लीनियर यानी सीधा सीधा लंबा लंबा जा रहा है। अच्छा, इसको प्राइमरी क्यों बोला? प्राइमरी यानी जो भी चीज पहले आती है वो प्राइमरी। अब तुम नोटिस करो, जब भी हम कोई बीज डालते हैं जमीन में, सो पेड़ ना हमेशा सबसे पहले लंबाई पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जितना वो लंबाई पकड़ेगा, जितना लंबा वो होगा उतना उसको सनलाइट का एक्सपोजर मिलेगा, फिर वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अब उसके बाद क्या होता है ना, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू साइड्स में, जैसे ग्रीन वाला लाइन देखो, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे कैम्बियम।
अच्छा कैम्बियम का दूसरा नाम है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल का मतलब होता है साइड्स। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लो, तो समझो ये एक स्टेम है, पेड़ है, ओके। अब इस पेड़ को ऐसे काट दिया हम लोग, तो इसके टिप में जो सेल्स थे वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब साइड्स में जो है, समझो इधर एक सेल है, इधर एक सेल है, तो वैसे इधर इधर सेल होगा, यानी गोल में सेल्स होंगे। अब समझो ये दोनों सेल डिवाइड हुए, तो ये सेल जब डिवाइड होगा तो एक नया सेल यहां बनेगा, ये सेल जब डिवाइड होगा तो एक नया सेल यहां बनेगा। वैसे ही ये यहां जो सेल्स थे तो एक्स्ट्रा सेल्स बनाएंगे बाहर की तरफ, यहां के सेल्स एक्स्ट्रा सेल बनेंगे। यानी इससे क्या हो रहा है कि पेड़ का जो सर्कमफेरेंस था उसमें और एक सर्कमफेरेंस आ जाएगा, फिर ये सेल्स डिवाइड होंगे और सेल्स बनेंगे। यानी ये साइड वाले सेल्स जब डिवाइड होते हैं ना, तो इसके वजह से पेड़ की लंबाई नहीं बढ़ती है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ती है। सो दैट इज इंक्रीज इन गर्थ, और यू कैन से इंक्रीज इन डायमीटर, और यू कैन से इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ अ प्लांट। और ये हो पाता है बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका दूसरा नाम है कैम्बियम। इसलिए बच्चों पता है अपने बायो का सबसे कमाल का पॉइंट है कि हर साल ना पेड़ को एक रिंग आता है, कैम्बियम रिंग आता है, एनुअल रिंग। आने वाले एक लेक्चर में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा तुमको। और इसलिए ना पेड़ काटने के बाद उसके अंदर जितनी रिंग्स रहते हैं ना, उससे उस पेड़ की उम्र का पता चलता है अपने, क्योंकि पेड़ को हर साल एक रिंग आता है, ओके। और ये रिंग किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये कैम्बियम दो तरह का रहता है। ये कैम्बियम अगर जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड है, यानी वैस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। यानी उसके वजह से अगर जाइलम फ्लोएम का ग्रोथ हो रहा है तो वैस्कुलर कैम्बियम, और अगर ये कैम्बियम बाहर के लकड़े से रिलेटेड है तो उसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे, बिकॉज कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क इज नथिंग बट बार्क ऑफ अ ट्री, ओके। अच्छा, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से, यानी कैम्बियम की वजह से कौन सा ग्रोथ हो रहा है? इनके वजह से हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ। बेटा ये भी मैं शॉर्ट में लिख के रखता हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, और सेकेंडरी ग्रोथ इज नथिंग बट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। तो यहाँ है ना कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है, ओके। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है, दैट इज इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ प्लांट। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, दैट इज इंक्रीज इन थिकनेस। पेड़ का जो हिस्सा हमेशा ग्रो होते रहेगा उस ग्रोथ को बोलेगा इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और जो जो हिस्से जिसका ग्रोथ लिमिटेड है उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेट और लिमिटेड और क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये समझे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ग्रोथ इज मेजरेबल। अगर किसी भी पेड़ के हिस्से में ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ को हम लोग मापें, तो मापें कैसे, हम लोग मेजर कैसे करें? अ पॉइंट ये बोलता है एट सेलुलर लेवल, ओके, अगर एक सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो हमको पता चलता है बाय इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी हर सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है साइटोप्लाज्म, अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सबको मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का प्रमाण बढ़ते जाता है ना, तब हमको पता चलता है हाँ सेल बड़ा हो गया करके। बट मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ग्रोथ मापना है, ओके, राइट, जैसे सपोज अगर हमको हमारा ग्रोथ मापना है, राइट, अब हमारा बॉडी अल्टीमेटली किसका बना है? ऑर्गन्स का बना है। ऑर्गन्स के अंदर क्या है? टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या है? सेल का है, ओके। तो अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है, यानी हर एक सेल का ग्रोथ हो रहा है, और सेल का ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है? विद द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म थोड़ी मापते बैठेंगे हम लोग, प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमको कुछ और पैरामीटर्स कंसिडर करने पड़ेंगे फॉर मेजरिंग ग्रोथ। अब क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में? बहुत ईजी है। अब जैसे हमारा ग्रोथ मापना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाइट मेजर करते हैं, वजन मेजर करते हैं, और उससे हमको जनरल आइडिया आ जाता है। वैसे यहाँ पे द पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग ग्रोथ इज इंक्रीज इन फ्रेश वेट और इंक्रीज इन ड्राई वेट। नेक्स्ट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। यानी अगर किसी भी पेड़ के हिस्से का अगर वजन बढ़ रहा है तो कितना वजन बढ़ा उससे तुमको पता चलेगा कि कितना ग्रोथ हुआ। तो पहला पॉइंट वजन से रिलेटेड, दूसरा लेंथ, लेंथ यानी उसकी लंबाई, फिर उसके बाद एरिया और उसका वॉल्यूम, ओके, यानी सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है, उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ रहा है, एंड द सेल नंबर। अब दो एमसीक्यू वाले पॉइंट आते हैं। वन, मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मकई मेज,
वन मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 सेल्स पर आवर। इसका मतलब क्या मालूम है? एक मकई का जो रूट है उसके रूट में से एक सेल निकालो बाहर, अब ये सेल क्या होगा? उसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल होगा। ये सेल एक घंटे में 17,500 से ज्यादा सेल्स बना सकता है। यानी हम क्या सीख रहे हैं कि कितना तेजी से वो डिवाइड होता है वो देखो। नेक्स्ट, द सेल्स इन अ वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय 350,000 टाइम्स। अब ये पॉइंट भी बहुत कमाल का है। ये पॉइंट क्या बोलता है कि समझो ये वाटरमेलन का एक सेल है, ओके राइट। अब ये सेल का जो फाइनल फॉर्म है वो उसके स्टार्टिंग वाले साइज के मुकाबले 3,50,000 गुना बड़ा है। यानी वाटरमेलन के हर सेल का जो साइज रहता है ना, ओके, वो 3,50,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब जाके वो मैच्योर सेल बनता है। अब ये दोनों भी एग्जांपल में हम लोग क्या सीख रहे हैं? सबसे पहली बात, ये नंबर बाहर करो, ओके, मेज का 17,500 और यहाँ पर 350,000। अच्छा बच्चों, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि एक्चुअली क्या होता है, ग्रोथ दो तरह का होता है। ये देखो, ये पहला टाइप, अब ये देख, दोनों में ग्रोथ हो रहा है। समझो ये सेल है। अब पहले वाले में तूने क्या देखा कि ग्रोथ किस टर्म्स में हो रहा है? कि हियर यू नोटिस, हियर द ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। एक सेल का 2 हो गया। और दूसरे वाले में तू क्या देख रहा है कि ग्रोथ किस टर्म्स में हुआ? हियर द ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ साइज। अब मेज में भी तो वही एग्जांपल दिया था ना, 17,500 न्यू सेल्स, सो दे वर टॉकिंग अबाउट नंबर। और वाटरमेलन के एग्जांपल में साइज की बात की गई। मैं तुमको ना और एक एक्स्ट्रा पॉइंट सिखा देता हूँ कि बायो में कैसा है ना कि जब भी कोई भी चीज तादाद नंबर से बढ़ती है ना, तो उसको हम लोग प्लेजिया बोलते हैं। और कोई भी चीज जब साइज के टर्म्स में बढ़ती है ना, तो उसको हम लोग ट्रॉफी बोलते हैं। सो प्लेजिया इज इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड ट्रॉफी इज इन टर्म्स ऑफ साइज। अब बायो में ना कुछ वर्ड्स याद रखो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। अब नॉर्मली जितने सेल्स बनने चाहिए उससे अगर कम सेल्स बने तो मैं क्या बोलूंगा, सेल्स का क्या हो रहा है? हाइपोप्लेजिया। नॉर्मली जितने सेल्स होने चाहिए उससे अगर काफी ज्यादा सेल्स बन गए तो मैं क्या बोलूंगा, सेल्स का क्या हो रहा है? हाइपरप्लेजिया। और इसी तरह से हद से ज्यादा डिफेक्टिव अनकंट्रोल्ड सेल्स का डिवीजन होता है ना, और डिफेक्टिव सेल्स बनते हैं, उसको हम नियोप्लेजिया बोलते हैं। नियोप्लेजिया नहीं, कैंसर। कैंसर ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में सिखाऊंगा, वो अलग ही लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही तगड़ा टॉपिक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट, ट्रॉफी। अभी ट्रॉफी में भी ऐसा ही है कि सेल का जो साइज है उस साइज के मुकाबले अगर साइज कम है तो हम लोग बोलेंगे हाइपोट्रॉफी, और जो साइज होना चाहिए उस साइज के मुकाबले अगर साइज काफी ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। और समझो, इफ देयर इज नो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्लेजिया, एंड इफ देयर इज नो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइज तो उसको हम लोग बोलेंगे एट्रॉफी। ए मींस एब्सेंट, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। अब ना यहां हमने क्या देखा कि ग्रोथ नंबर और साइज के टर्म्स में बात किया है, वैसे ही अगर हम लोग पोलन ट्यूब की बात करें तो पोलन ट्यूब में ग्रोथ कैसे मापोगे? वहां पे हम लोग ग्रोथ मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। तो ये भी एग्जांपल एक याद रखो। नेक्स्ट, फिर उसी तरह से अगर हम लोग एक डॉर्सीवेंट्रल लीफ की बात करते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में ग्रोथ कैसे मापोगे? वहां हम लोग ग्रोथ मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब डॉर्सीवेंट्रल क्या होता है कि समझो ये एक पत्ता है, ओके, सो पत्ते का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको डॉर्सल बोलेंगे और नीचे वाले सरफेस को वेंट्रल बोलेंगे। बायो का बेसिक है ये, याद रखो। समझो एक डॉग है, ओके, अब वो डॉग का ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल और नीचे उसका पेट वाला सरफेस वेंट्रल। अब एक लीफ ऐसा है उसको बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल, जो हमेशा इस तरह से प्लेस रहता है, ओके। अब डॉर्सी वेंट्रल लीफ जब ये एक्सपांड हुआ, समझो 3 महीने बाद देखा तो ये इतना बड़ा हो गया। सो इसका जितना भी ग्रोथ हुआ है वो किस टर्म्स में मापोगे? वहां लंबाई के टर्म्स में नहीं मापोगे, वहां उसके एरिया के टर्म्स में मापोगे। सो दैट इज अनदर एग्जांपल। चलिए लास्ट पॉइंट बच्चों,
Now here what we see is the diagram which shows elongation with the help of parallel lines. अब सोचो ये एक सीड है और ये let's say suppose उसका रूट वाला पार्ट डेवलप हो रहा है और ये कुछ समय बाद देखा तो ये काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है. अब कोई भी पॉइंट ले लो, समझो ये वाला पॉइंट. अब ये वाला पॉइंट को अगर हम लोग समझो 3 महीने बाद देख रहे हैं तो ये हमको यहाँ दिखेगा, जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए. ये वाला पॉइंट, पॉइंट बी, सी डी ई एफ जी. अब इसमें से एक बात ये याद रखना है कि इस पूरे डायग्राम में ये जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, यानी पॉइंट ए बी सी और डी तक, यहां पर मैक्सिमम एलोंगेशन होता है. यानी इनमें काफी ज्यादा फर्क आया है, इन हिस्सों में काफी ज्यादा है ना ग्रोथ देखा गया है. बाकी जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें इतना ज्यादा फर्क नहीं देखा गया, उनका इतना ज्यादा ग्रोथ, इतना ज्यादा ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं देखा गया. तो ये डायग्राम भी एक एमसीक्यू बन सकता है जहां पर पॉइंट ए बी सी और डी मैक्सिमम एलोंगेशन दिखा रहे हैं. आखिरी पॉइंट बच्चों, आखिरी पॉइंट में मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हैं तो मैं बोलूंगा उसे, आप लोग ध्यान से सुन लो उसको, ठीक है ना बेटा. बात क्या है मालूम है, देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ. फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज मेरिस्टमैटिक, सेकेंड इज कॉल्ड एज एलोंगेशन फेज, एंड थर्ड इज मेच्योरेशन. फर्स्ट मेरिस्टमैटिक, सेकेंड एलोंगेशन, थर्ड मेच्योरेशन. अच्छा, अब मेरिस्टमैटिक फेज, एलोंगेशन और मेच्योरेशन, इसको हम लोग ना अलग स्टाइल में अंडरस्टैंड करके लेते हैं. समझो फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है और ये रूट है. तो हम लोग ने डिस्कस किया कि रूट के टिप में यहां जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं, वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. तो यहां के सेल्स कैसे, दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइड. तो यहां पे जो भी सेल्स है वो कौन से फेज में, मेरिस्टमैटिक फेज में, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं और यहां पे नए सेल्स कंटिन्यूअसली बन रहे हैं. फिर उसके बाद यहां बीच वाले जोन में देखेंगे ना तो सेल्स अब क्या होते हैं, लंबे होते हैं. तो यहां के सेल्स कौन से फेज में, दे आर इन द सेकंड फेज व्हिच इज कॉल्ड एज एलोंगेशन. यहां देखते जाओ, पहला वाला मेरिस्टमैटिक, दूसरा वाला एलोंगेशन, फिर आता है मेच्योरेशन. अब जाहिर सी बात है ये देखो रूट का जो मोटा वाला हिस्सा है, अब यहां पर जो भी सेल्स होंगे सबके सब मेच्योर होंगे. तो ऐसे याद रखो मेरिस्टमैटिक फेज में क्या होता है ना, सेल्स डिवाइड होते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद जितने भी नए सेल्स बने वो लंबे होते जाएंगे, और उसके बाद ये जितने भी सेल्स लंबे हो रहे हैं उसके बाद वो मेच्योर होते जाएंगे. यानी कैसा होता है ना, जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं सेल्स ऊपर की तरफ भेज दिए जाते हैं. इसीलिए इस डायग्राम में जो एरो देख रहे हो ना, एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ. अगर ये रूट है ना तो ये जितने भी नए सेल्स बनाएगा ये ऊपर की तरफ भेजेगा, इसलिए देख एरो ऊपर की तरफ है और नए सेल्स ऊपर की तरफ जाएंगे इसीलिए रूट नीचे की तरफ जाएगा. सो द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज अप. और स्टेम में देख उल्टा है, स्टेम का टिप जितना भी नया सेल्स बनाएगा नीचे की तरफ भेजेगा, और नीचे की तरफ जब नए सेल्स ढकेलेगा और खुद ऊपर और नए सेल्स बनेगा तब जाके स्टेम का एलोंगेशन होगा. सो द डायरेक्शन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब मेरिस्टमैटिक फेज में होता क्या है ना, ये यूजुअली हर रूट और स्टेम के अपेक्स में पाया जाता है. हियर द सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, मैंने सेल और डिवाइड वाला साइन बनाया है, देखते जा बेटा. नेक्स्ट, यहां पर ना हर सेल के अंदर द न्यूक्लियस बिकम्स वेरी लार्ज एंड इट इज कॉन्स्पिशियस, यानी आसानी से नोटिस किया जा सकता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल. नेक्स्ट, द सेल वॉल इज प्राइमरी. ओके, उसके ऊपर कोई डिपोजिशन नहीं रहता है, जो सेल वॉल है वो ही है, जो पहले से है वो ही है. ओके, सो इट इज थिन and it is cellulosic, that means it is made up of cellulose with many plasmo desmetal connection. beta ye maine short mein likha hai pdc, plasmo desmetal connection. ye kya hota hai sir, plasmo desmetal connection, ye dekho, ye ek cell, ye dusra cell, do cell ke beech mein na ek bridge hota hai jo do cell ko connect karta hai, us bridge ko hum log bolte hain plasmo desmeta. It is also called as cytoplasmic bridges, with the help of which the cytoplasm of one cell can come in contact with the cytoplasm of another cell. Okay, so three phases of growth में, meristematic phase में क्या क्या होता है, पहली बात ये तुमको usually apex में देखने मिलेगा,
दूसरी बात, यहाँ पर सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रह रहे हैं, न्यूक्लियस काफी बड़ा रहता है, प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा रहता है हर सेल के अंदर, ओके। इसका जो सेल वॉल है वो प्राइमरी है, पतला का पतला है, सेल्यूलोज का बना है विद मेनी प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन। नेक्स्ट फेज ऑफ एलोंगेशन, इसमें क्या रहता है, देयर इज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन ऑफ सेल्स, यानी हर सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स बनने लगते हैं और वैक्यूल्स एक्सपांड होने लगते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं विच आर ऑर्गेनल्स मेंट फॉर स्टोरेज, ओके, स्टोरेज ऑफ ऑल डिफरेंट मटेरियल्स। सो वैक्यूलेशन होने लगता है, सेल्स में ज्यादा वैक्यूल्स आने लगते हैं, इसलिए सेल्स खींचने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं। नेक्स्ट द सेल विल एनलार्ज एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन टेक्स प्लेस, शॉर्ट में लिखा है न्यू सेल वॉल, CW, सेल वॉल डिपोजिशन टेक प्लेस। यहाँ कैसा था, प्राइमरी सेल वॉल था, उसके ऊपर कोई डिपोजिशन नहीं था, पर एलोंगेशन फेज में सेल्स के ऊपर डिपोजिशन होता है। यानी कैसा मालूम है कि यहाँ का अगर मैं एक सेल निकालू तो इसके सेल वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा डिपोजिशन भी है, और मेरिस्टेमेटिक में जो सेल वॉल था जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, ओके। लास्ट मेच्योरेशन फेज में मैक्सिमम साइज इज अचीव, जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है, ओके। सेल वॉल बिकम्स वेरी थिक, CW, सेल वॉल बिकम्स वेरी थिक, PP लिखा है मैंने एकदम शॉर्ट में, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म शोज मैक्सिमम एक्सटेंशन, ओके। यानी यहाँ पे जितना प्रोटोप्लाज्म आना चाहिए उतना एक्सपांड हो चुका रहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटोप्लाज्म बन चुका है, सेल का साइज एकदम मैक्सिमम हो चुका रहता है। इसलिए इस वाले जोन को, इस वाले ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं दिस इज द थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ, दैट इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन, ओके। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर, ओके। वी हैव मेनी मोर थिंग्स कमिंग अप फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल, मन लगा के पढ़ो, रीड बायो यो बायो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, थैंक यू बच्चों।